मैगी खाना सबको बहुत पसंद है, तो चलिए आज हम मैगी को एक नए ट्विस्ट के साथ बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदना की रसोई। आज हम बनाएंगे मैगी स्टिक्स, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है ये एक पैकेट मैगी का। सबसे पहले हम मैगी को बॉईल कर लेंगे। मैगी का जो मसाला है हम उसे निकाल देंगे और मैगी को बॉईल कर लेंगे। इसे हम ओवर कुक नहीं करेंगे, सिर्फ 80% तक ही इसको बॉईल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मैगी को बॉईल करते हैं। ये मैंने एक पैकेट ही लिया है मैगी का, 10 रुपीज़ वाला पैकेट है ये। तो चलिए मैगी को बॉईल कर लेते हैं। तो मैगी को बॉईल करने के लिए मैंने यहाँ पर पानी रख दिया है, 1 ग्लास पानी का लिया है, और पानी थोड़ा सा गर्म हो गया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैगी। मैगी के मैंने थोड़े से टुकड़े कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब हम इसको उबलने देंगे। तो मैगी जो है वो कुक हो गई है 80% तक। तो चलिए गैस को अब बंद कर देते हैं, और जो इसमें एक्सेस वाटर है वो हम इसको निकाल देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैगी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। चलिए अब हम इसमें मिक्स करेंगे ये आलू। उबला हुआ आलू एक ही लिया है मैंने, जिसको कि मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये है प्याज बारीक कटा हुआ। शिमला मिर्ची डाल रही हूँ अब मैं इसमें। ये स्वीट कॉर्न्स हैं थोड़े से, वो मैं डाल रही हूँ इसमें। स्वीट कॉर्न्स ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप इसमें डालें, अदरवाइज को स्किप कर दें। और अब मैं ये डाल रही हूँ हरी मिर्ची, और ये मैंने लिया है थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब नहीं है तो आप फ्रेश ब्रेड को थोड़ा सा तोड़कर इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा सा ओरिगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, और लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ ये मैगी का मसाला जो मैगी के अंदर होता है टेस्ट मेकर, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पून को निकाल दूंगी मैं इसमें से, और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। वो उस बाउल में अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो मैंने उसको थोड़े से बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और उसको हम ऐसे एक ओवल शेप में इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, ये इसको ऐसे ओवल शेप में ट्रांसफ़र करने के बाद, अब मैं यहाँ पर एक आइसक्रीम स्टिक ले रही हूँ, ये देखिए ये ऐसे। और क्या करूँगी मैं, इस स्टिक को इसके अंदर डाल दूँगी और इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जो स्टिक है वो अंदर अच्छे से चली जाए, और इसको अच्छे से प्रेस करके इस पर चिपका देंगे। तो ये देखिए, ये स्टिक मैंने तैयार कर ली है, और अब हम इसको प्लेट में रख लेंगे। और ऐसे ही मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। इसमें स्वीट कॉर्न्स जो हैं वो ऑप्शनल हैं, आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं, कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। तो अब इसमें स्टिक इंसर्ट कर दें और इसको अच्छे से प्रेस कर लें। तो ये देखिए, मैगी स्टिक तैयार है। तो ऐसे ही मैं सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए, ये स्टिक्स हमने रेडी कर ली हैं। और अब मैंने यहाँ पर ये स्लरी भी रेडी की है, जिसमें मैंने क्या किया है, 1 चम्मच मैदे का और 1 चम्मच अरारोट का मिक्स किया है, और उसमें थोड़ा सा नमक और चिली फ्लेक्स डाली हैं, और उसको पानी से घोल लिया है। तो ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी ऐसी है, 1 चम्मच मैदे का है और 1 चम्मच
कॉर्नफ्लोर का है, अरारोट का है, तो ये इसको ऐसे ही रखना है। और यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्ब, अगर आपके पास ब्रेड क्रम्ब ना हो तो मैगी का पैकेट जो है उसमें से थोड़ी सी मैगी लें और उसको आप मिक्सर में डालकर थोड़ा सा ग्राइंड कर लें और उसके बाद उसका चूरा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये स्टिक्स लेंगे और इसको हम इस स्लरी में डिप कर देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो स्टिक्स हैं वो बड़ी कुरकुरी बनेंगी। तो इसमें डिप करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम में डाल देंगे, इसके ऊपर अच्छे से ब्रेड क्रम लगा देंगे। चारों तरफ अच्छे से ब्रेड क्रम लगा लीजिए, ये देखिए ऐसे। और ऐसे ही सारी स्टिक्स को हम तैयार कर लेंगे। तो ये सारी स्टिक्स मैं ऐसे तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए ये सारी स्टिक्स मैंने तैयार कर ली हैं। तो अब हम इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि जो इसके ऊपर की कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने स्टिक्स को फ्रिज में से निकाल लिया है और यहाँ पर ऑयल जो है वो मेरा गर्म हो चुका है, ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो चलिए अब हम इन स्टिक्स को फ्राई करते हैं। तो धीरे धीरे हम इसमें डालेंगे। पैन थोड़ा खुले मुंह का ही लीजिएगा ताकि स्टिक्स जो है इसमें प्रॉपरली आ सकें और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल दें। और अब इसको सिकने दें अच्छे से एक तरफ से। चलिए अब इनको थोड़ा सा टर्न कर लेते हैं। अब हम इसको दूसरी साइड से भी अच्छे से पकाएंगे। चलिए देख लेते हैं दूसरी साइड से भी इसको। तो ये देखिए ये दोनों साइड से अच्छे से कुक हो गए हैं। तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और अब मैं बाकी जो हमारी स्टिक्स रह गई हैं उनको भी ऐसे ही फ्राई कर लूंगी। तो ये देखिए ये सारी स्टिक्स मैंने फ्राई कर ली हैं अच्छे से और ये बहुत ही टेस्टी बनती हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।